दोस्तों नमस्कार, मैं रामलाल आप सभी का अपने रेल फैन चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो देखिए दोस्तों, मैं इस समय पनवेल ट्रेन पकड़ा हूं, जो कि मुंबई के हार्बर लाइन की लोकल है ये, और स्टेशन है सैंडहेड रोड से आगे चल रहे हैं। ये एक शॉर्ट जर्नी है और देखिए सामने से लोकल आ रही है। सुबह का समय है, तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि यदि आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जल्दी से जल्दी मेरा 1000 सब्सक्राइबर जो है कि पूरे हो जाए। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये आ गया डॉकयार्ड स्टेशन, और डॉकयार्ड स्टेशन से डॉकयार्ड रोड है स्टेशन का नाम। यहाँ से इसके बगल में एक पहाड़ी है छोटी सी, उस पर बहुत ही सुंदर गार्डन है दोस्तों, और उस पहाड़ी पे चढ़ने के बाद आप आधी मुंबई देख सकते हैं, जिसका नाम है जोसेफ बाप्टिस्टा गार्डन। जो लोग मुंबई के हैं और यहाँ के होंगे वो अच्छी तरह जानते हैं, यदि नहीं जानते, यदि आप कभी आते हैं मुंबई में तो डॉकयार्ड उतर करके मुंबई, आधी मुंबई देखने के लिए आप जोसेफ बाप्टिस्टा गार्डन ज़रूर जाएं, जो कि डॉकयार्ड रोड के जस्ट बगल में ही है। एक्चुअली में वो सटा हुआ पहाड़ी के साथ में ही तो ये स्टेशन बना हुआ है, क्योंकि प्लेटफार्म मैंने नहीं दिखाया, नहीं तो मैं आपको पहाड़ी भी दिखा देता। सुबह का समय है, ट्रेन में थोड़ा रश रहता है। फिलहाल तो हम पनवेल की ओर जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा भीड़ भी कम है, लेकिन फिर भी मैंने उस तरफ का दृश्य आपको नहीं दिखाया, इसके लिए क्षमा चाहता। तमोरो सामने देख रहे हैं फ्री ईस्टर्न फ्री वे, उस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। आप हमारे चैनल पर जाएंगे तो टोटली वो फ्री वे का ब्रिज आप देखेंगे, और इस ब्रिज से आपको ये पहाड़ी दिखाई पड़ती है दोस्तों, और उस पहाड़ी पर से कमाल की मुंबई दिखाई पड़ती है। फिलहाल मुझे तो उस पहाड़ी पे जाके काफ़ी दिन हो गए हैं। तो आ गया दोस्तों हमारा अगला स्टेशन रे रोड। तो दोस्तों मेरा एक दूसरा चैनल है यात्रा प्लस रामलाल, इसमें भी आपको ढेर सारे 150 के अलग अलग वीडियो मिलेंगे आउट ऑफ मुंबई के, और मुंबई के भी। तो दोस्तों एक छोटी सी जर्नी है, फुल जर्नी हार्बर लाइन की फिर कभी बनाऊंगा। फिलहाल तो मैं सैंडहेड रोड से वड़ाला तक आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों हमारी ट्रेन रे रोड स्टेशन से चल चुकी है, रे रोड देखिए, ये इधर बसों का एक पार्किंग स्थल है, और ऊँची ऊँची मुंबई की इमारतें आप देख रहे हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला स्टॉप है कॉटन ग्रीन, ये भी हाई लेवल स्टेशन है, हाई लेवल पे बना हुआ है, ऊपर बना हुआ है प्लेटफार्म इसका। सॉरी दोस्तों क्षमा चाहता हूँ, गला थोड़ा ख़राब है। तो आगे दोस्तों हम कॉटन ग्रीन, ये है कॉटन ग्रीन स्टेशन। ये हार्बर लाइन है दोस्तों, और
आप सब ज़रूर बताएं। देखिए एक सामने से ट्रेन आ रही है, तो दोस्तों आप सब ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और उसके बाद में मैं एक फुल जर्नी का वीडियो बनाऊंगा पनवेल टू सीएसटी, मुंबई सीएसटी का। और इस समय हमारा जो अगला स्टॉप है वो है शिवड़ी। लेकिन दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि मेरे जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएं, और फुल वीडियो देखिए ताकि हमारा जो वॉच टाइम है वो भी यानी कि 4000 घंटे कंप्लीट हो जाएं। फिर उसके बाद तो हम और भी, ये सपोर्ट है आपका और यही आपका प्यार है हमारे लिए, आशीर्वाद है। और मुंबई की ये ट्रेन है, ये सीमेंस रैक है दोस्तों, ये रैक जो है कि 100 की स्पीड में जाता चलता है। तो दोस्तों हमारी ट्रेन शिवड़ी पहुंच गई थी, और बातों बातों में शिवड़ी स्टेशन आ करके फिर हम चल पड़े हैं शिवड़ी से। शिवड़ी काफ़ी व्यस्तम स्टेशन है, और दोस्तों हम पहुंच गए वड़ाला रोड। वड़ाला रोड एक तरह से जंक्शन है ये, और काफ़ी व्यस्तम है क्योंकि यहाँ से एक तरफ गाड़ी चली जाती है पश्चिम रेलवे की ओर, बांद्रा की ओर ट्रेन चली जाती है, और वड़ाला के बाद किंग सर्कल आता है, किंग सर्कल के बाद माहिम, और फिर बांद्रा। हार्बर लाइन की पनवेल टू गोरेगांव भी काफ़ी सर्विस है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन है। हमने अपने दूसरे चैनल यात्रा प्लस रामलाल में पनवेल टू गोरेगांव के का वीडियो बनाया हुआ है, आप जा करके देख सकते हैं, फुल जर्नी का वीडियो है। पनवेल से आने वाली गाड़ियां जो वड़ाला आती हैं और फिर उसके बाद में बांद्रा गोरेगांव के लिए चली जाती हैं। सामने आप ब्रिज देख रहे हैं वो है मोनोरेल का, आपसे अपने रहें, अपना ख्याल रखें और अपने दोस्त रामलाल को इजाज़त दें, और ये ज़रूर बताएं कि क्या मैं इसका फुल ब्लॉग बनाऊं, अपना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक छोटा सा वीडियो इसीलिए मैंने बनाया है आपका रिस्पांस जानने के लिए कि कैसा है रिस्पांस। तो ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं बता रहा था मोनो रेल जो कि मुंबई के चेंबूर से वड़ाला होते हुए जैकब सर्कल सात रास्ता यानी मुंबई सेंट्रल तक चलती है। अब वो सामने देखिए ये है बांद्रा से आने वाली लोकल, बांद्रा गोरेगांव से आने वाली लोकल जो कि वड़ाला होते हुए मुंबई सीएसटी चली जाएगी। बहुत ही कमाल का दृश्य है, एन वक्त पर आपको ट्रेन दिखाई पड़ गई है, ये क्रॉसिंग इसके नीचे से हमारी ट्रेन जो है कि देखिए चली जा रही है पनवेल की ओर। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि, और अगला स्टेशन है गुप्तेज बहादुर नगर, और हम आपको इस ट्रेन के साथ छोड़े चलते हैं।
इस आशा और उम्मीद के साथ कि आपका कमेंट आएगा फुल वीडियो बनाने के लिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, अपना आशीर्वाद देंगे। मेरे पीछे पानी किस गली ले चली। तो दोस्तों, मेरा एक लोकगीत का भी चैनल है जिसका नाम है आवाहन रामलाल। कृपया मेरे लोकगीतों के चैनल को जरूर देखें, जरूर सुनें, उसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट तो जरूर करें। दोस्तों, देखते तो बहुत लोग हैं लेकिन दुख इस बात का है कि लोग सब्सक्राइब और कमेंट कम करते हैं। आपका सब्सक्राइब करना और कमेंट करना, यही हमारे लिए आपका आशीर्वाद है, प्रेम है। तो ये ट्रेन जा रही है मुंबई सिटी की ओर और फिर मिलते हैं आपसे, विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे। इन फूलों के साथ आपको छोड़े चलते हैं दोस्तों, आ गया उद्योग बहादुर। जय हिंद, जय भारत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।